Good morning, students. The chapter atoms and molecules. In this chapter, up to last class, we have discussed it at first laws of chemical combination. In these laws of chemical combination, we have discussed there are two laws. Number one, law of conservation of mass. During a chemical reaction, that mass neither be created nor be destroyed. Second, law of constant proportion. किसी की मॉलिक्यूल को अगर बनाया जाएगा तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर रेशियो में ही टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म एक पर्टिकुलर रेशियो में ही आपस में कंबाइन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी अमाउंट में यहां पर मिक्स हो जाए। अगर कंपाउंड बन रहा है तो अगर कंपाउंड नहीं बन रहा तो फिर वो मिक्सचर है, उसमें तो कोई भी कुछ भी आप डालो कोई टेंशन नहीं। बट इन अ कंपाउंड दी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक फिक्स रेशियो में ही आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ये था हमारे पास में। और सेकंड वन, व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर दी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच टेक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, दीज आर दी यूनिट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स, अब ये डॉल्टन थ्योरी भी देखा, डोल्टन के साथ बताते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तुमने देखा कि स्मॉलेस्ट एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द केमिकल रिएक्शन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। एटम्स कैन बी डिवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल बनाते हैं। They combine to form molecules. अब ये एटम अकेला नहीं रह सकता, देर इज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम। और मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने देखा, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड्स। इतने तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब एक बार अपनी मेरे पास आयंस, we know well that a compound, कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कोई भी कंपाउंड जो होता है बच्चों, अ कंपाउंड में भी मेड अप ऑफ मेटल्स, कोई भी कंपाउंड है तो मेटल्स की फॉर्म, मेटल्स बना होता है या नॉन मेटल्स। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन दोनों से बिल्कुल एलिमेंट्स ही है। एलिमेंट्स आर थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ठीक है? तो यही सब हमारे पास। तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन अ कंपाउंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अगर हैविंग सम चार्जेज, ये किस फॉर्म में रहते हैं बच्चों? चार्जेज की फॉर्म में रहते हैं। इनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। जैसे हम कहें, मैं मेरी फैमिली में रहता हूं, मेरे कंधों पे कुछ बोझ है, चार्ज है, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। डिफरेंट, आई हैव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स। कभी हम लोग टीचर की तरफ बिहेव करते हैं, कभी एज अ पेरेंट की तरफ बिहेव करते हैं, कभी एक सर्वेंट की तरफ बिहेव करते हैं, कभी एज अ पियोन बिहेव करते हैं। We have different kind of
responsibilities. Like this, these elements also having certain responsibilities, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, चार्ज. तो यहां पर कर रहे हैं the species which have charge, the species which have charge, the species which has which have charge known as eyes, which have charge known as eyes. तो eyes क्या है? Ions are the charged species. Ions having some charges. Knowledge ions. Actually, बच्चों की क्या होता है? They may be ions are generally atoms, charged atoms. Ions are generally charged atoms. Or a group of atoms. A group of charged atoms. Ions are generally charged atoms or a group of charged atoms. या तो charge या atom या फिर group of atoms which having some specific charge. These are called as ions. Ions they may have been two kind of the charges. If they have a positive charge, be positive. If they have a positive charge, these are called cations. If they have a positive charges, known as cations. They known as cations. If they have a negative charge. So negative charges, anions.